सबसे पहले इस पर हेडिंग डालेंगे सब्ट्रैक्शन, माइनस का निशान और ब्रैकेट में वन डिजिट लिखेंगे, जैसे हमने पहले एडिशन में किया था, ऊपर एडिशन की हेडिंग डाली थी, प्लस का निशान था, ब्रैकेट में और वन डिजिट लिखा था, सही है। ये लिखने के बाद नीचे की एक लाइन छोड़ देंगे और बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे जिस तरह मैंने की हुई है, और यहाँ की टू लाइन्स छोड़ कर क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे, सही है। और हर इस लाइन के बाद भी जो बीच में लाइन ड्रॉ की है, इसके बाद भी आप टू लाइन्स छोड़ कर लिखेंगे यहाँ पर, सही है। पहले पूरे ये पेज उतार लीजिएगा और फिर मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा जैसे मैं करवा रही हूँ, सही है। हमने एडिशन में किया था कि जो ऊपर जो लिखा हुआ नंबर दिया हुआ था और जो नीचे नंबर दिया हुआ था, ऊपर जो दिया हुआ था उतनी लाइन्स ड्रॉ की थी और जितना नीचे दिया हुआ था उतनी लाइन्स ड्रॉ की थी, और दोनों को प्लस करके जो नंबर आया था हमने वो यहाँ लिख लिया था, सही है। अब आप जो है अब इसमें जो करना है, इसमें फोर लिखा रहा था, आप फोर लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और जो नीचे लिखा हुआ पहले हमने एडिशन में यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रॉ करती थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में जितने नीचे लिखा हुआ है, जैसे 3 लिखा हुआ है, तो हम ऊपर की 3 लाइन्स कट कर देंगे, 1 2 3, सही है। अब यहाँ पे कितनी बची, जो कट नहीं हुआ है 1 बचा है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, ओके क्लास। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ 9 लिखा है, तो 9 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। नीचे कितने लिखे हुए हैं, 5, तो 5 कट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कट कर दिया। अब यहाँ कितनी लाइन्स बची हैं, इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 लाइन्स बची हैं, तो हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 4, ओके। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट उस पर अपने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7, तो हम यहाँ 7 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे कितना लिखे हुए हैं, कितना नंबर दिया हुआ है, 2, तो हम 2 लाइन्स कट करेंगे, 1 2, ओके। अब कितनी बची हैं उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, कितनी बची, 5, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5, ओके। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3, तो हम यहाँ 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, अब नीचे कितने लिखे हुए हैं, 1, तो हम कितनी लाइन्स कट करेंगे, 1, और यहाँ कितनी लाइन्स बची, 1 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, ओके। मेरे साथ साथ कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 8 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। पर मैं जिस तरह काउंटिंग पढ़ के लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ, उसी तरह आप करिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट लाइन्स ड्रॉ होंगी, और अगर पढ़ के नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं होंगी। और नीचे कितने हैं, 4, तो 4 लाइन्स कट करेंगे काउंट कर करके, 1 2 3 4, अब कितनी लाइन्स बची हैं, 1 2 3 4, 4 लाइन्स बची, तो क्या हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4, ओके। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6, तो हम 6 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितने लिखे हुए हैं, 3, तो 3 कट करेंगे, 1 2 3, कितने बचे हैं यहाँ, 1 2 3, यहाँ हमने 3 लिख दिया, सही है। समझ आ गई आपको सबको, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की जो ये निशान होती है इसको माइनस का निशान कहते हैं, सही है। सब्ट्रैक्शन के इस निशान को माइनस का निशान कहते हैं, और जो ये निशान होता है इसको प्लस का निशान बोलते हैं, और ये वाला निशान नज़र आया यहाँ मैंने बनाया है, ये प्लस का निशान, इसको प्लस का निशान कहते हैं, और इसको एडिशन भी कहते हैं, ओके। यही काम आपको सामने वाले पेज पे एच वर्क में करना है, ये हमारा सी वर्क था, सही है। जो काम आप सी वर्क में करेंगे साफ सुथरा, वैसे इट इज़ यही वर्क आप एच वर्क में भी करेंगे। अब आ जाते हैं अपनी बुक वर्क की तरफ, दिस इज आवर मैथ बुक, पेज नंबर ओपन करते हैं 54, क्लास वर्क के लिए ये हमारा पेज नंबर 54 है। क्वेश्चन है ट्रेस एंड से, ट्रेस करना है 1 to 12, यहाँ पे डॉटेड्स में आप और से देखिएगा अपनी बुक में 1 to 12 लिखा हुआ है, सही है। इसको ट्रेस करना है,
और नीचे 12th की स्पेलिंग लिखी हुई है, इसको रीड करिएगा TWELVE 12. ओके, ये हमारा सीवर का पेज था। एक और है हमारा सीवर का पेज, पेज नंबर 55। ओके, ये हमारा पेज नंबर 55 है। क्वेश्चन है राइट टेंस एंड यूनिट्स। टेंस और यूनिट हमें लिखने हैं। हम यहाँ पे पहले काउंट करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर की लाइन दी हुई है हम इसे काउंट करेंगे। ओके, काउंट करना शुरू करते हैं। हमारी ये पिंक और ये लाइट ब्लू जो बॉल्स बनी हुई हैं, इनको काउंट करते हैं कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितनी बॉल्स हैं, 13। तो टेंस में हम यहाँ 1 लिखेंगे और यूनिट में हमारा 3 आएगा। ओके, राइट साइड की जो वैल्यू होगी वो हमारी यूनिट होती है और लेफ्ट साइड की जो होती है वो हमारी टेंस होती है। अब यहाँ की भी काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 का 1 जो है वो हमारे टेंस में आएगा, लेफ्ट साइड की वैल्यू, और जो राइट साइड की वैल्यू होगी 4 वो हमारी यूनिट होगी। नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 का 1 आपका इधर टेंस में आएगा और यूनिट में आएगा आपका 5। नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। 16 का 1 हमारा टेंस में आएगा और यूनिट में हमारा आएगा 6। यह हो गया हमारा क्लास वर्क। अब आ जाते हैं हमने एच वर्क की तरफ। एच वर्क का पेज हमारा 56। क्वेश्चन है ट्रेस एंड से। आपको 1, 3, 13 है, आपको डॉट्स दिए हुए हैं, इनको ट्रेस करने हैं और 13 की स्पेलिंग रीड करनी है। THIRTEEN, THIRTEEN, THIRTEEN। नेक्स्ट पेज है हमारा एच वर्क के लिए पेज नंबर 57। इसका भी क्वेश्चन है हमारा से एंड ट्रेस, तो 14 लिखा हुआ है, इसको आपको ट्रेस करना है और स्पेलिंग लिखी हुई नीचे आपको उसको रीड करना है। FOUR 4 TWEN 14 FOUR 4 TWEN 14। अब आ जाते हैं अपने ओरल की तरफ। इनवर्स हमारा ओरल है इनवर्स काउंटिंग 1 to 20। रीड कर लीजिए मेरे साथ। FOUR TWEN 13 FOUR TWEN 14 FIF TWEN 16 SEVEN TWEN 17 EIGHT WEN 18 NINE TWEN 19 TWEN 20। ये आज का हमारा ओरल था। अब आ जाते हैं हम अपने नोटिस की तरफ। नोटिस था हमारा